तो एक्सरसाइज 6.3 जिसमें हमें सिमिलर ट्रायंगल से रिलेटेड क्वेश्चंस करने हैं। मैंने क्वेश्चन फर्स्ट के तीन फिगर बनाए हैं, तीन पार्ट। फर्स्ट ये सेकंड है, ये फोर्थ रहेगा, ओके, और ये सिक्स्थ रहेगा। ओके स्टूडेंट्स, तो सबसे पहले हम लोग इससे शुरुआत करते हैं। मैं आप लोगों से जानना चाह रहा हूँ, ये एंगल 70 है आपका, ओके, ये 80 है, यहाँ 80 है और यहाँ 30 है, तो क्या ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर होंगे? अगर सीधा सीधा देखा जाए तो एक ही एंगल इक्वल दिख रहा है, दूसरा ये 30 दिख रहा है, 70 दिख रहा है, इक्वल दिख ही नहीं रहे। तो अकॉर्डिंग टू, अगर सीधा सीधा देखे तो नहीं है, लेकिन एक बार जरा तीसरा एंगल और निकाल के देखते हैं। 80 और 70 कितना हो गया? 150। तो ये कितना एंगल आ जाएगा हमारे पास? 180 में से 150 जाएगा, ये 30 डिग्री आ जाएगा, क्योंकि ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम कितना होता है? 180। सिमिलरली इसमें भी ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम कितना होगा? 180। तो इन दोनों का सम कितना हो गया? 110। और 180 में से 110 माइनस करोगे तो 70, इसका मतलब एंगल पी कितना है? 70। अब जरा दोनों फिगर को कंपेयर करके देखते हैं। ये हमारा 70 है, 70 है, ये 80 है, 80 है, ये 30 है, 30 है, इसका मतलब ट्रिपल ए क्राइटेरियन से हमारी ये दोनों ट्रायंगल क्या हो गई? सिमिलर हो गई। अब सिमिलर लिखते वक्त बिल्कुल ध्यान रखना है, लेट मैंने ई एफ डी लिख दिया, ई एफ डी लिख दिया, वो किसके सिमिलर है? ई एंगल 80 है, तो उधर से 80 ही ढूंढना है, ई के कोरस्पोंडिंग एंगल कौन सा है? क्यू। इस चीज का सिमिलर में ये सबसे मेन बात है जो हमें ध्यान रखनी है, ई का ई 80 है तो यहाँ पे क्यू 80 है, तो ई के कोरस्पोंडिंग आप क्यू ही लिखोगे। एफ, एफ के कोरस्पोंडिंग क्या लिखोगे? आर। और इसी तरह डी कितना है? 70। डी 70 है तो पी भी कितना रहेगा हमारे पास? 70। ओके, तो इसका मतलब डी का कोरस्पोंडिंग कौन हुआ? पी हुआ। ओके, तो ई एफ डी का सिमिलर हुई क्यू आर पी। सिमिलरली अब हम लोग यहाँ पे आते हैं, हमारे पास ये साइड गिवन है, 2.4 पार्ट है ये हमारे पास, ओके, और एम एंगल जो है वो दे रखा है 70 डिग्री, और यहाँ पे एंगल क्यू जो दे रखा है वो 70 डिग्री। वैसे देखा जाए तो ये 70 है तो यहाँ पे 70 होना चाहिए था, लेकिन हम लोग कंपेयर करेंगे सारी चीज़ें। यहाँ 70 है, यहाँ 70 है, तो इसकी साइड्स देखते हैं, एम एन बाय पी क्यू, एम एन बाय पी क्यू का रेशियो निकालते हैं हम लोग, ये कितना हुआ? 2.5/5। जब आप इसको सोल्व करोगे तो आंसर आएगा 1/2। सिमिलरली एन एल बाय क्यू आर, एन एल बाय, सॉरी, एन एल बाय क्यू आर इज इक्वल टू, एन एल नहीं लेंगे, एम एल, एम एल बाय क्यू आर, ये हमारे पास कितना हुआ? 5/10। इट मीन्स ये भी कितना आया? 1/2। देखो इसका और इसका रेशियो 1/2, इसका और इसका रेशियो भी 1/2, और दोनों के बीच का एंगल भी इक्वल। तो हम लोगों ने एक क्राइटेरियन पढ़ा था एस ए एस, उसमें क्या था कि किन्हीं दो साइड्स के रेशियो इक्वल आ जाए, इसका 1/2 आया, इसका भी हमारा कितना आया? 1/2 आया, और उनके बीच का एंगल इक्वल आ जाए, जो कि दोनों केसेज में कितना हमारा? 70। तो इसमें हमारा कौन सा क्राइटेरियन लग गया? एस ए एस। अब सिमिलर लिखते वक्त जो हमें ध्यान रखना है वो सबसे मेन बात, एम एन एल, एम एन एल हमारी सिमिलर होगी, एम कितना है? 70 डिग्री, तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग कौन सा एंगल है हमारे पास? क्यू, क्यू। एम एन 2.5 था, तो एम एन का रेशियो आपने किसके साथ लिया था? पी क्यू के साथ, तो इसका मतलब एम एन के कॉरस्पॉन्डिंग हमें पी क्यू लिखना है, तो क्यू हमारे पास ऑलरेडी है, क्यू पी, और कौन रह गया? एल, और इसमें कौन रह गया? आर। बच्चों सिमिलर लिखते वक्त बिल्कुल ध्यान रखना है कि कौन सा एंगल किसके इक्वल है, कौन सी साइड किसके कॉरस्पॉन्डिंग है, ऐसे नहीं लिखना एम एन एल इज सिमिलर विद पी क्यू आर, गलत, एकदम गलत। ओके, आपको क्या करना है? कॉरस्पॉन्डिंग चीजें देखनी है, एम 70 है तो एम के कॉरस्पॉन्डिंग क्यू 70 है, एम क्यू, उसके बाद एम के बाद एन, तो 2.5 था तो क्यू पी 5, क्योंकि आपने रेशियो इनका लिया था। ओके, और उसके बाद जो तीसरा पॉइंट बच गया वो, ये एग्जाम्पल मैंने इसलिए करवाया ताकि आपको सिमिलर लिखने में कोई दिक्कत ना आए, आगे जाके जितने अच्छे से आप लोग सिमिलर लिखोगे उतने इजीली क्वेश्चन सोल्व हो जाएंगे। ये तो बहुत ही आसान है, आपको दिख ही रहा होगा, टू
टू बाई देखो 2/6 लोगे 1/3, 2/4 लोगे तो कितना आएगा 1/2, ए बी बाई क्यू आर इज इक्वल टू 2/4 इज इक्वल टू 1/2, बी सी बाई आर पी इज इक्वल टू 2.5/5 मीन्स अगेन 1/2, और क्या रह गया हमारे पास ए सी बाई पी क्यू, वो भी हमारे पास कितना आया 3/6 मतलब 1/2। ओके स्टूडेंट्स, तो तीनों के तीनों रेशियोज इक्वल आए, इसका मतलब कौन सा क्राइटेरियन लगा, ट्रिपल एस क्राइटेरियन से हमारी ये जो दोनों ट्रायंगल्स हैं वो सिमिलर हो गई। अब देखो लिखना कैसे है, ए बी सी इज सिमिलर विद, ट्रायंगल ए बी सी इज सिमिलर विद ए बी, ए बी के कोरस्पोंडिंग आपने कौन सी साइड ली है भाई, चलो ऐसे करते हैं ए बी टू, टू के अपोजिट कौन सा एंगल है सी, टू के अपोजिट कौन सा एंगल है सी, और टू के कोरस्पोंडिंग आपने कौन सी साइड ली थी फोर, टू के कोरस्पोंडिंग आपने फोर लिया है तो फोर के अपोजिट कौन सा एंगल है पी, थोड़ा सा इजी रहेगा एंगल के हिसाब से लिखोगे तो, टू के अपोजिट कौन सा एंगल है सी और फोर के अपोजिट कौन सा एंगल है पी, तो सी के कोरस्पोंडिंग आप क्या लिखो पी लिखो, ठीक है। 2.5 और 5 का देखते हैं, 2.5 के अपोजिट ये साइड है पूरी 2.5, इसके अपोजिट कौन सा एंगल है ए, 2.5 के अपोजिट कौन सा एंगल है ए, तो ए, और 5 के अपोजिट 2.5 के अपोजिट ए हुआ और 5 के अपोजिट कौन हुआ क्यू हुआ, तो इसका मतलब ए के कोरस्पोंडिंग आप क्या लिखो क्यू, ठीक है, ए की जगह आ गया, सी के कोरस्पोंडिंग आ गया, अब कौन रह गया आर रह गया, तो ए बी सी के सिमिलर जो ट्रायंगल हुई वो हमारी क्या हुई क्यू आर पी। तो स्टूडेंट सिमिलर लिखते वक्त बहुत ज्यादा ध्यान रखना है, इसीलिए इस क्वेश्चन पे हमने इतना टाइम लगाया। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन सेकंड।